थे तब तक मैं ऐसे काम करते रहूंगा। बट जोक्स अपार्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं कलाकारों के साथ जुड़ रहा हूँ, और ऐसा जमाना चल रहा है जहाँ पे आपको किसी और की जरूरत नहीं, प्रोड्यूसर की जरूरत नहीं, हम एज आर्टिस्ट वी कैन कोलैबोरेट, और हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया है जिसके जरिए हम अपना काम दिखा सकते हैं। वी डू नॉट नीड यू नो टू वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी इज हियर, और ये जो जमाना चल रहा है ये हमारे हित में है, जहाँ पे हमें बहुत सारी सहूलियत मिलती है ताकि हम अपना फन, अपना कला हमारे ऑडियंस के सामने डायरेक्टली पेश करें। अदरवाइज यू ऑलवेज हैव टू गो थ्रू अ चैनल, अब वो चैनल की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वी नीड दैट टू, एंड टिल दे नोटिस अस वी विल कीप डूइंग कोलैबोरेशंस, बिकॉज द बिगर इट गेट्स द बेटर, एंड हु डजंट वांट टू यू नो बी लॉन्च्ड इन अ नाइस वे। बट यू नो जब तक वो नहीं मिलता, अब तब तक के लिए एटलीस्ट यू नो आई एम गोइंग टू कीप, मैं अपने आप को तराशना चाहूंगा एज एन एक्टर, एज यू नो एज अ कोरियोग्राफर, एज अ डांसर। एंड आई फील वेरी प्रिविलेज कि मेरे साथ यू नो विशाल जुड़ गया है, उनकी आवाज़, उनका जो सुर है, उनका जो यू नो जो पॉपुलैरिटी है, और जिस तरीके से वो एक सेंसेशन बन गए हैं। सो व्हेन ही अप्रोच मी टू काइंड ऑफ से यू काइंड ऑफ डू दिस, आई वाज लाइक वाओ, यू नो फर्स्टली नाम और काम उससे भी बड़ा, मोर इम्पॉर्टेंटली जो गाना मैंने सुना वो दिल को मेरे बहुत छू गया था, एंड वी हर्ड दिस अ व्हाइल अगो, और फिर वो बिजी हो गया, फिर मैं यू नो अब्रॉड चला गया फॉर माई इंटरनेशनल टूर। और जब वापस आया तो फिर सौरभ ने बोला, फिर डायरेक्टर इज लाइक करे सर, आई सर हाँ, विशाल सर रेडी है, सर हाँ, तो फिर देर किस बात की। तो फिर वी वर लुकिंग फॉर द गर्ल, वी कुडंट फाइंड द गर्ल फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, एंड फिर हमें हमारी हीरोइन मिली डरिसा, जो उस किरदार को निभा सकती थी। सो आई थिंक ये ना कहीं एक सेरेंडिपिटी है कि कभी कभी हर चीज़ का एक वक्त होता है, जब तारे मिल जाते हैं ना, जुड़ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ अच्छा बन जाता है। और मैंने सौरभ को भी कहा था कि पता नहीं ये जो कॉन्सेप्ट था किस तरीके से हम इसको निभाएंगे, अंडर वाटर डांसिंग और बहुत सारी चीज़ें थी यू नो जो हमें बहुत ही इंटरनेशनल वे में प्रेजेंट करना था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ हम सब के साथ, दैट डे वॉज मैजिकल। जो भी यू नो अड़चन हो रही थी वो अपने आप यू नो इट वॉज गेटिंग सॉल्व, एंड कहीं ना कहीं वो हमारे हित में था कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, और जो नहीं होना था, जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, वो भी हमारे हित में था। सो आई थिंक देयर इज अ पावर ऑफ यू नो द यूनिवर्स, और व्हेन जब सरस्वती हम पर कुर्बान है तो आई थिंक एवरीथिंग एल्स जस्ट वर्क्स इन आवर फेवर। सो आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी ऑन द टीम। कौशिक भाई जो है ना, ये हमारे लिरिसिस्ट हैं, और इन्होंने जो अल्फाज लिखे हैं, स्पेशली जो यू नो जो वर्स आता है, एंड अब आई टेल यू बाय गॉड मैं बहुत हिल गया था वो एक लाइन पे, वो मैं कुर्बान हो गया उस पर, बिकॉज इट वॉज सो ब्यूटिफुल। एंड मैं चाहूँगा कि यू नो कहीं ना कहीं विशाल खां इस मौके पे चौका मार के, बिकॉज आई टेल यू बहुत सारे सिंगर्स हैं, एंड ऑफकोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट आई डोंट नो वॉट इट इज, जब उन्होंने मुझे स्टूडियो में गाना सुनाया लाइव, हाँ कुछ नहीं था, सिर्फ आवाज, और इवन इन द म्यूजिक हमने कुछ ज्यादा इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं किया है, एंड दैट्स द पावर ऑफ हिज वॉइस, यू डोंट नीड एनीथिंग, ही इज एन ऑर्केस्ट्रा बाय हिमसेल्फ, हिज वॉइस इज एन ऑर्केस्ट्रा बाय हिमसेल्फ। सो व्हेन यू हियर हिज वॉइस, और जब वो लाइव गाते हैं तो वो कशिश जो है, वो जो दर्द है, इज जस्ट इनसेन। मैंने जितना था बोल दिया, अब भाई देखो वर्बल डायरिया है, सो मानता हूँ आई स्पीक अ लॉट, सो आई एम गोना लेट द डायस नाउ स्पीक। पहले तो आप सब लोग का स्वागत है और माफी की आप लोग को काफी देर लगी। देखिए ये मौसमी गाना नहीं है, बरसात की जब इसमें हम बात कर रहे हैं तो वो मौसम वाली बरसात नहीं है, ये वो बरसात है जो आपकी आंखों से बरसती है, जो आपके दिल से बरसती है, जब आप किसी से इश्क में होते हैं, जब आप किसी के जुदाई के गम में होते हैं, जब विरह होती है, तो वो बरसात की बात हो रही है। और वो बता रहा है, उसको इतना याद कर रहा है कि आओ ना बरसात आई, कि उसकी आंखों से वो बारिश हो रही है क्योंकि वो उसको इतना याद कर रहा है। एंड दी होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस सॉन्ग इज कि हम सारे इंसान इतने एक जैसे हैं, सब सिमिलर ही हैं, जितने भी भाई हमारे यहाँ पर हैं या हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी नीड क्या है, हम एक ऐसा अकम्पलीमेंट चाहते हैं, ऐसा साथ चाहते हैं जो कि सर्वोपरि हो, सबसे ज्यादा खूबसूरत, एंड दिस इज द साथ, दिस इज द रिलेशनशिप दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सॉन्ग, एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी ऑल केम टुगेदर। मजा ये है जब कला
कलाकारों के साथ बनाई जाए, संगीत इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये गीत संग में होता है. हाँ लवली. एंड ये संग है, सारी एनर्जीज मिलती हैं तब एक गाना बनता है. एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोगों तक पहुंच रहा है, आज हमारे भाई लोग भी और लोगों तक पहुंचाएंगे. एंड इट कांट बी एनी बेटर. ओह गॉड नो. देखिए कलाकार कैसा, अगर अच्छा कलाकार होगा तो मैंने जैसे कि पहले थोड़ी देर पहले भी बोला था इनके बारे में कि एक अच्छा कलाकार किसी भी अपनी कला के क्षेत्र में अच्छा ही हो. एक बिकॉज ही इज अ गुड अमेजिंग अमेजिंग डांसर, ही कैन एक्सप्रेस हिमसेल्फ. तो वो एक्सप्रेशन वो एक्टिंग में भी लाएंगे, वो अगर गाएंगे भी तो भी वो एक्सप्रेशन आएगा. हो सकता हो बेशक उनकी आवाज अच्छी हो खराब हो, दैट्स समथिंग एल्स, बट वो एक्सप्रेशन जरूर आएगा. वो जो कुछ करेंगे वो अपना घर भी रखेंगे उसमें भी वो एक्सप्रेशन आएगा. वो कलाकार उसके साथ पैदा होता है. एंड व्हेन एवरीबडी ऑन बोर्ड इज लाइक दैट, चाहे वो लरिसा हो, चाहे वो सौरभ हो, चाहे वो कौशल हो, मयूर हो, आज हम सब लोग भी यहाँ पे भी देखिए एक एनर्जी का जो बलून है, सब अच्छे लोग मिले हैं ऐसा लग रहा है. व्हेन एवर दैट विल हैपन इट इज गोइंग टू वर्क. हो सकता है कि जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लोगों को होती हैं कि नहीं यार 200 मिलियन हो जाना चाहिए थी, वो मुद्दा ही नहीं है. मुद्दा अच्छी कला बनाना है, अच्छी कला बना के लोगों को देना है. अकेले लोग हैं हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग, अकेले होते हैं, उनको साथ चाहिए होता है, और वो साथ होता है संगीत. आप बचपन में जब मैं उन्नाव में रहता था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ मैं, वहाँ पे विविध भारती बजता था, तो हमें लगता था कि कोई हमारा साथी है जो हमारी बात सुन रहा है. आज हम बम्बई में रहते हैं लेकिन ख्याल वही है, साथ चाहिए सबको, एक गाना चाहिए, सब एक गाने पर निर्भर करते हैं. और वो ये गाना है जिसमें कला भी है, जिसमें साथ भी है, जिसमें प्यार भी है, जो सबका साथी बन सके. मेरी जिंदगी में कॉन्ट्रीब्यूशन है लेकिन तो छोटा सा पार्ट है. बहुत ज्यादा अच्छा लगता है भाई के साथ. मैं अगर आप देखेंगे मेरे काम के रिपोर्ट में 90-95% मिलेगा भाई के साथ में काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैं इतना अच्छा लगता है इन साथ काम करके. गजल सुनते हैं, सुनाते भी हैं. बहुत सारे राइटर्स हैं जिनको मैं नहीं जानता था, उनसे इन्होंने मुझे मिलवाया कि उसको सुनो उसको सुनो, तो ये मुझे मेरे लिए एक मेंटर भी है अगर ऑनेस्टली से बताऊँ. तो मुझे तो बहुत मजा आता है, चाहे वो इंस्पायर इंडिया लिखूँ या रामायण उद्या लिखूँ या मैं सतीमिया लिखूँ या आओ मैं लिखूँ, इनका मेरे ऊपर बहुत मुझे लगता है कि बहुत ब्लेसिंग भी है. मुझे बहुत मजा आता है काम करके. और आओ मैं के बारे में बताना चाहूँगा कि जिस तरह से पहली लाइन है या डीजी डीजी के यादों में लिखे हैं धीरे धीरे, तो जिस तरह से शूट हुआ है, जिस तरह से सर ने परफॉर्म किया है, डूब गए मतलब वो जो लिटरली डूब गए पानी के अंदर ही है. सौरभ जिस तरीके से किया है, मैम ने जिस तरीके से किया, तो वो ऐसा लग रहा है कि ब्लेस्ड वर्क है और ऐसे काम हम और करते रहते हैं. Because the moment I heard the song, I was talking to Saurabh and I said, it felt like I was hearing the song and it was just me and the whole world was just like moving and I was just like stuck in one place. Like I was like, I was living the song, like it touched my soul. And with Terrence on board and me and him, the song, and with Saurabh, the lyrics, everything was just amazing, and I feel really lucky to be chosen to do this song. The underwater was my favorite. I must say, because it was hilarious. At one point, I went diving, and he was already there, and he was holding my face, and my body couldn't stay underwater for too long, so my body was going up, and I was just like my face underwater. And it was like amazing to shoot, and it was fun. Like you said, it was magical, like something amazing was happening in that day. Like the universe was in our favor and everything just became beautiful and magical and amazing outcome. So yeah. देखिए है, ये लगता नहीं है लखनऊ का रहने वाला है, तो जब ये कुछ गलत करता हूँ उसको धमकी देता हूँ मैं उन्नाव का ही हूँ, लखनऊ 60 किलोमीटर ही दूर है. तो सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा विशाल भाई को, मयूर भाई को. रीजन ये है कि जब ये गाना उन्होंने मेरे को बोला थोड़ा ये गाना आप करो, तो जैसे क्रिएटिव थे वो, इट वॉज समथिंग दैट
दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग मैं ऐसा कुछ इस गाने में करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जनरली बाकी जो म्यूजिक वीडियोज बन रही है एक उसका एक सर्टन वे है, उसमें स्टोरी टेलिंग गाने हैं, रोमांस, सैडनेस. बट विशाल भाई और मयूर भाई ने बोला सौरभ यू नो वी आर विथ यू, यू डू इट. सो फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड देन टेरेसा केम ऑन बोर्ड एंड आई टोल्ड हिम दैट यू नो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू इट, एंड ही वॉज अप फॉर इट, लाइक लेट्स डू इट. एंड देन यू नो फॉर मी इट वॉज अ टीम वर्क, ये मेरी अकेली मेहनत नहीं है, ये विशाल भाई का, मयूर भाई का सबका सपोर्ट था तब जाके ये हो पाया. अदरवाइज समटाइम्स एज अ डायरेक्टर आप कुछ सोचते हो और अगर आपके टीम के लोग उससे सहमति नहीं रखते तो फिर वो बाहर नहीं आ पाता है फॉर सम रीजन, क्योंकि सबके इनपुट्स आते हैं. बट फॉर दिस एवरीवन वाज सेइंग यस सर यस गो फॉर इट, एंड द सपोर्ट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एंड व्हिच आई गॉट फॉर दिस सॉन्ग, एंड दैट्स व्हेन इट केम आउट लाइक दिस. सो या मैं भी अभी अपने आपको बच्चा समझता हूँ, अभी उतरा हूँ मैदान में, बहुत कुछ बाकी है. वो है ना गाना अभी मुझे कहीं, बहुत सारी जिंदगी अभी भी बाकी है. एंड आई फील मैं अपने आपको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. मैं सिर्फ अपनी जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जितना प्यार आपने मुझे दिया है, आई ऑलवेज फील कि मुझे बहुत प्यार लोगों ने दिया है. यू नो इवन व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ आई डोंट थिंक आई वाज द बेस्ट, बट कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है. और मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि मैं अभी मेरा पूरा बेस्ट नहीं दे पाया हूँ. मैं अपने आपको तराश रहा हूँ, और जैसे ही काला पत्थर होता है ना, जिसको तराशने के बाद वो हीरा बनता है, तो मैं वो कोयले के खान से हूँ, वो पत्थर हूँ. अभी तराश रहा हूँ अपने आप को, हीरा जब बनूंगा तो लोगों का प्यार से बनूंगा. तो आई जस्ट फील कि मैं अभी भी रॉ हूँ, एंड आई फील कि मैं मेरे दिल में बहुत सारी तमन्नाएं हैं, और आई थिंक आई रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ पीपल. और आज की जो पीढ़ी है ना, दे आर नॉट यूनी डायमेंशन, आई डोंट फील एनी बडी यूनी डायमेंशन. सब समझते कि एक ही चीज में हम यू नो हम डेफिनेटली विल बिकम we should follow one thing and do it in life. I feel yes, you should specialize in one thing, but I think you should explore everything in life. And I think art is art. Hum art ko you know divide karte hain, but art should be multiplied, should not be divided. So in my opinion, apne aap ko explore karo. Yahan galtiyan hongi, ha you will fail, we face failure, but even when I started dance I was not perfect. Wo achhi baat hai ki logon ko pata nahi tha ki main dancer ban raha tha tab. तो लोगों की नजरें नहीं थी, तो कितनी गलतियां की हैं. अब क्या है कि अब हम डर जाते हैं कि अब सब लोग हमें देख रहे हैं. हम एक भी कोई भी मैदान में हम उतरे हैं, जैसे जहां पर हम नौसिखे हैं, तो लोग हमें हमारी चटकारे मारेंगे, हमें यू नो बहुत सारी चीजें बोलेंगे. आई थिंक हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं. एंड आई थिंक वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ क्रिटिसिज्म, बिकॉज क्रिटिसिज्म से ही हम आगे बढ़ते हैं. माई लाइफ इज ऑल अबाउट क्रिटिसिज्म. माई पेरेंट्स क्रिटिसाइज मी फॉर एवरीथिंग. मेरे घर में ही मेरे 8 भाई बहन है, वो मुझे डिस करते गए, नहीं ये इतना अच्छा नहीं है, तुमको कुछ ज्यादा मत समझ. आई थिंक दैट इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू नो लोगों में घर में सब बहुत यू नो इनकरेजमेंट मिलता है, और बाहर जाके फिर उनको डर लगता है. मेरे में ऑपोजिट हुआ. मेरे घर वाले मुझे डिस करते थे, बाहर के लोग ने मुझे बहुत अपनाया है. तो ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे और मैं आगे बढ़ता रहूं. और आप क्रिटिसाइज भी करते रहे, क्योंकि जितना आप क्रिटिसाइज करोगे मुझे, मैं कंस्ट्रक्टिवली इसको लूंगा और मैं अपने आप को इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि मेरा पूरा जीवन ही आपके लिए है. आई फील माई लाइफ, सम पीपल्स लाइफ आर फॉर द ऑडियंस. आई फील आई एम मेंट टू बी फॉर द ऑडियंस. एंड मैं ऑलवेज कहता हूँ कि मैं आई थिंक इन सम वे इन सम लेवल, ये थोड़ी डीप लेवल की बात है, लेकिन आई ऑलवेज बिलीव कि मैं कहीं ना कहीं हम अलग अलग मनुष्य हैं. आई थिंक आई बिलोंग इन अ मोर ऑफ अ गंधर्व जोन. आई एम दैट पार्ट वेयर आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन एंड कल्चर विच सेलिब्रेट्स आर्ट. तो मैं आर्टिस्ट हूँ एंड आई वॉन्ट एक्सप्लोर माई सेल्फ. नहीं मैं बहुत ध्यान से इन्हें सुन रहा हूँ. एंड देखिए इनके बारे में एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं लेकिन जितना भी वक्त यहाँ पर बिताया है, ये बहुत संजीदा कलाकार. और संजीदा कलाकार हमेशा लोगों पे असर डालता है, और ये जो भी करेंगे उसका लोगों पे असर होगा, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो तभी बात करेंगे, इन्हें लोग सुनेंगे. और मुझे लगता है सब एक समान सोच के लोग जब जुड़ते हैं तो फिर इस प्रकार का गाना बनता है और लोग उसे. ओह गॉड, किसने बताया? 17 फिल्में अभी फिल्म आई है मिली. ओ यार,
रहमान साहब का म्यूजिक है, जावेद साहब ने लिखा है, उन्होंने गाया है. Nice. नहीं देखी प्लीज देखिए जाकर. Yeah, sure. प्रमोशन प्लग इन भी हो गया. यस यस. लेकिन आई हैव बीन ब्लेस्ड टू बी अराउंड द बेस्ट, चाहे वो मेरी नोटबुक हो, चाहे वो कबीर सिंह हो जिसे लोगों ने इतना प्यार दिया, मेरे गाने कैसे हुआ को इतना प्यार दिया, पहला प्यार को इतना प्यार दिया, चाहे वो सांड की आंख हो, चाहे वो खुदा हाफिज हो, या आने वाली मेरी जितनी भी फिल्में हैं. मतलब मैं ब्लेस, मैं तो जहाँ से आया हूँ उन्नाव से, वहाँ पर मेरा ख्वाब ये था कि एक बार कैसेट के पीछे. आप में से कौन लोग उत्तर प्रदेश बिहार से? बहुत लोग. ये सब मेरी बात सुनने की, ये जो ये भी जो काम कर रहे हैं इसमें भी इनको बहुत खिलाफत मिली होगी. ये क्या है तुम यार मीडिया में जा रहे हो? क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप किसी को बोलेंगे उत्तर प्रदेश बिहार में कि आप से पूछेंगे परिवार के लोग कि आप करना क्या चाहते हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं कलाकार बनना चाहता हूँ. नहीं, वो तो है, करना करोगे क्या? करेक्ट. वहां से आए हैं तो सपना है कि एक सपना था कि एक गाना कभी रिलीज हो जाएगा और फोटो आ जाएगी तो फिर पापा को दिखा देंगे, ये देखिए हमारी फोटो छपी है दैनिक जागरण में, माम बेट हो गए, हमारा काम हो गया. तो जो कुछ भी हो रहा है ये सपने से परे है. और मैं अपने जैसे उन लोगों के लिए म्यूजिक बनाना चाहता हूँ जो कि इन लाइफ की छोटी छोटी डिटेल्स को महसूस करते हैं, जो 17वें माले या 20वें माले या 25वें माले से दुनिया को नहीं देखते, जो कि ग्राउंड फ्लोर पे रहते. और खुशनसीबी ये है कि उस प्रकार के लोग मिलते जा रहे हैं, चाहे वो संदीप वांगा हो एज ए डायरेक्टर, चाहे वो मुराद कतानी हो एज ए प्रोड्यूसर, चाहे वो मैडॉक हो, चाहे वो जितने भी मेरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं. आई एम ब्लेस्ड टू बी सराउंडेड बाय पीपल हु हैव लेट मी प्रॉस्पर माय आर्ट, जिन्होंने मुझे मेरी कला बढ़ाने और कहने में मदद की है. और ऑडियंस भी वैसी है क्योंकि समझती है, इमोशनल ऑडियंस है, हम लोग बहुत इमोशनल लोग हैं, इमोशनल गाने, अच्छे गाने, लोगों का अकेलापन दूर हो, लोगों को कंपेनियनशिप फील हो. और जब तक मैं करता जा रहा हूँ तब तक मुझे लगता है कि कोशिश यही रहेगी कि ऐसे गाने बनते रहें जो लोगों को हिल. मेरे घर वालों को ऐसा नहीं लगता कि मेरी मम्मी हफ्ती में बात करती है, उनका जन्मदिन था कल, तो मैं कल हम एक रियलिटी शो शूट कर रहे थे, वहां से घर पहुंचे तो आप हाई में होते हैं यार, आप रियलिटी शो शूट करके आए हैं, फैंस हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, घर पहुंचे मेरी मम्मी क्या कही हो? कड़ी चावल, कड़ी चावल. जब मैं अपनी माँ के हाथ का खाना खाता हूँ सारा फतूर उतर जाता है. तो वो कमाल है, मतलब इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता. और रोल मॉडल वगैरह का तो पता नहीं. एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, जब मैं यूपी जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, मेरा छठ का गाना भी आया जो सारे बिहारियों ने बहुत भव्यता से सेलिब्रेट किया, जो भी छठ मनाते हैं उनकी आंखों में ख्वाब दिखता है कि हमारे बीच के लड़के ने किया तो हम भी कर सकते हैं. कोई माँ बाप ये नहीं बोलता जब कोई लड़का मेरे शहर में ये बोलता है कि मुझे सिंगर बनना है या म्यूजिक डायरेक्टर बनना है या एक्टर बनना है, तो ये नहीं पूछते कि करोगे, बोलते हैं हाँ इसने किया तो ये भी कर सकते, ये जीत है, किसी को बड़ा देना. और दैट्स ट्रू, वेल सेड. Yes. Yeah. You know, honestly, जब मैं अपने युवा जीवन जी रहा था तब मुझे ये नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं कितना अच्छा करूं, बस हम खेलते गए. इट वॉज मोर लाइक प्लेफुलनेस. और खेलते खेलते काम मिलते गए, पैसे मिलते गए. ऑनेस्टली मैंने जब डांस शुरू किया था तो मुझे मैं फ्री में करता था सबके लिए. फिर सडनली मुझे पैसे मिलने लगे, इसके पैसे मिलते हैं? क्योंकि मैं तो सोचा कि पढ़ाई लिखाई करके, आई वॉज क्लासिकली इंक्लाइंड स्टूडेंट, एकेडमिकली ब्राइट था, मैथ्स और साइंस में मेरा रुचि था. सो आई नेवर थॉट कि मैं डांस को करियर बनाऊंगा. लेकिन डांस ने सडनली, आई वॉज गिविंग डांस ट्यूशन, पॉकेट मनी वॉज कमिंग इन, कॉलेज फीस वर बीइंग पेड, तो वो यू नो मैंने बहुत हल्के में लिया और कुछ बन गया. अभी क्या है ना कि when you are given that kind of love and power or whatever in that situation, you have to be very responsible कि ये तुम्हारी privilege है, and therefore you have to be very mindful कि आपको privilege में, तो ऐसा नहीं कि हाँ मैं कुछ भी करूंगा तो चल जाएगा. तो चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो यू नो एक्टिंग हो, उसकी कोचिंग लेना, उसकी ट्रेनिंग लेना, उस पर ध्यान देना, उस पर मेहनत करना, ये आपका फर्ज बनता है. बिकॉज अपॉर्चुनिटी शायद आपको कुछ लोगों से ज्यादा मिलेंगी. So you have to be very mindful and respectful कि अगर ये opportunity मिली है, you will work as hard as every newcomer. जब हम set पे भी बात कर रहे थे, ललित सर मैं बैठे थे set पे, और कुछ ना कुछ reasons के लिए, technical reasons के लिए setting की department कुछ हमें देरी से, they were taking more time and they were asking us, are you guys okay?
आई सेड डोंट आस्क अस इफ वी आर ओके, वी आर आर्टिस्ट, हम दिखने वाले हैं, ये जो लोग मेहनत कर रहे हैं ना, जो उठा रहे हैं कैमरा ये वो, उनका ध्यान रखो, बिकॉज यू नो ये तो हमारा फर्ज बनता है, वी कांट अफोर्ड टू कंप्लेन. सो व्हेन एक्टर्स हैड टू कंप्लेन से यार कितना काम है, ओ माय गॉड, आई एम लाइक डूड आप लोग दिख रहे हैं, मैं हम दिख रहे हैं, हमारा काम आगे जाएगा, वील गेट पेड पब्लिक मोर देन एवरीबडी एल्स इन दैट रूम, सो वी नीड टू बी वेरी माइंडफुल एंड रिस्पेक्टफुल दैट वी शुड बी द हार्डेस्ट वर्किंग पीपल इन दैट रूम. एज एक्टर्स एज आर्टिस्ट हम सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और हमारे मुंह से चू तक नहीं निकलनी चाहिए. And this I feel very strongly about. As artists, we must work more hard than everybody else in the room. Because क्योंकि वो light उठाने वाला जो आदमी है, who's picking up the lights, who's doing the जो हमें चाय पिला रहा है, even my staff, they are working round the clock. वो बैठते भी नहीं है. हमारे लिए fan आता है, sir खाओगे कुछ. So you know, I think we need to be recognizing the fact कि ये सब मिल रहा है. So if there's anybody working hard in the room, it has to be the actors. Yeah? तो हमें और भी मेहनत करनी पड़ेगी, एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू डू, एंड आई लव वर्किंग हार्ड, आई लव फीलिंग लाइक यू नो मैं अभी शुरुआत किया है, एंड आई फील लाइक दैट बिकॉज कहीं ना कहीं एज अ जज एज अ कोरियोग्राफर मैं बहुत सेट हो चुका हूँ, इन द सेंस दैट आई नो माई क्राफ्ट, आई नो वॉट टू डू, आई नो हाउ टू एनकरेज माई स्टूडेंट्स, मैं बहुत पैशनेटली जाता हूँ टू जज शोज, बट आई नो, बट इट्स ऑलवेज नाइस टू स्टार्ट समथिंग विच यू डोंट नो, तो वो यू नो वो बटरफ्लाइज चाहिए लाइफ में. I love that sense of adventure कि अभी मुझे पता नहीं क्या होने वाला है. I could fall completely flat on my face, and I think that is the adrenaline rush that I like, and I live for that. I live for living in that danger zone कि पता नहीं. Because as a judge and a choreographer, I'm too set. I know exactly what's going to happen. And अभी you know as a judge, so I've been working for so many years, 12 years in the industry. I feel very safe there, and I love it. Deep respect for that. और वो मेरी रोजी रोटी है. But I want to also explore things where it makes me feel like a completely novice. Or for butterflies, jo stomach mein hoti hai, that nervous energy. Tab jaake na, I think mere pure jo senses hai, hamari jo panchon indriyan hai, wo zyada tez ho jati hai. Jab aap comfort mein hote na, tab sust ho jate ho. Jab aap koi danger zone mein chale jate ho na, all your five senses are so sharp, and I feel you are more alive then. And I want to feel alive every day. So that's why I want to do this thing. मैं हम पांचों में ना जो सबसे अच्छी हिंदी बोलता है और बहुत अच्छी तरह से बात करता है विशाल है. विशाल बहुत ही बढ़िया है. आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम. आई डिडंट रियलाइज दिस अबाउट हिम. आई हैव ओनली हर्ड हिम सिंग, पर इतना अच्छा बोलते भी है विशाल. यू जस्ट गिव द मैसेज आउट, इट्स योर सॉन्ग. और कौशल, आप सारे लोग प्लीज जाके आओ ना सुनिए. बहुत ही पसंद है हमें गाना, इसलिए सुनिए. आप सबके माध्यम से मैं जो भी लोग हमें देखेंगे सुनेंगे उन तक ये पहुंचाना चाहता हूं. उन सब ने बहुत मेहनत करी है. जो लोग आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सारे हमारे भाई बंधु जो यहाँ बैठे हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी, इंतजार किया सब तक पहुंचाने के लिए. सब लोग गाना सुनिए. क्लिक रिकॉर्ड्स के यूट्यूब चैनल पर ये गाना है. अच्छा लगे तो लोगों को सुनाइए, लोगों तक बांटिए, और सिर्फ हमारा नहीं, जिसका भी काम अच्छा लगे उस लोगों को सुनाइए. आओना बहुत दिल से बनाया, इन्होंने बहुत दिल से लिखा है, हमने बनाया गाया बहुत दिल से. टेरेंस भाई, लरेस आर अमेजिंग इन द वीडियो. सौरभ कमाल है, मयूर ने प्रोड्यूस किया है, बहुत अच्छा किया है. जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत करी, तो आप लोग सुनेंगे, प्यार देंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा. बाकी अपना ध्यान रखिए. क्लिक रिकॉर्ड जो है एक इंडिपेंडेंट लेबल है, सो आई थिंक वी रियली जेन्युइनली नीड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस. आपका सहयोग रहेगा तो आई थिंक वी बी एबल टू रीच आउट टू मोर पीपल. यही है कि काम बढ़िया हुआ है, बहुत मेहनत से किया है और बहुत प्यार से किया है, तो कहीं पर कमी नहीं हुई है. मयूर भाई ने जो सपोर्ट दिया है, यू नो एज अ प्रोड्यूसर, इज फैंटास्टिक. एंड यू नो, तो वी जस्ट वांट कि हम जो कलाकार हैं, हम किसके लिए काम करते हैं? आपके लिए. हम चाहते हैं कि अपना काम आप तक पहुंचाए, आप हमें पसंद करें, शायद हमें आपको क्रिटिसिज्म भी करें, वो भी चलेगा, बिकॉज वी विल बी एबल टू इम्प्रूव, बिकॉज आर्टिस्ट नीड टू कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव द गेम. So just let this go out to as many people as possible. Please show us some love on Click Records, and yeah, let's make this world a better place through music. Thank you. Thank you. Thank you.